एक माइनक्राफ्ट का विलेज था। उस विलेज के अंदर एक माइनक्राफ्ट का छोटा सा बच्चा था और वो छोटा सा बच्चा हमेशा से चाहता था कि उसे कोई ना कोई तो अपने साथ खिलाए, लेकिन उसे कोई भी नहीं खिलाता था। इसलिए वो आज अपने डैड के साथ जाकर वहाँ पर उसने एक हग किया, लेकिन जब वो हग किया तब वहाँ पर उसके डैड ने उसे बोला चलो मेरे साथ चलो, और जिसके बाद वो आ गया एक शॉप में और वो शॉप में उसके डैड कुछ खरीद रहे थे। वो फार्मिंग के लिए कुछ बाय करना चाहते थे, लेकिन जब वो अपने पास देखते हैं वहाँ पर उनका बेटा था। वहाँ पर उनका बेटा सिर्फ एक ही था, इस वजह से वो उसके पास जाते हैं। और जब वहाँ पर वो देखते हैं वहाँ पर एक कुकी है जो कि उनके बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वो उसकी शक्ल देखकर वो लेने के लिए एक बार में राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास थे इस टाइम पर पैसे, और जिसकी मदद से वो अपने बेटे को वहाँ पर वो कुकी दिला देते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि पहली बार आज उसके डैड ने उसे कुकी दिलाया था उसकी मॉम के जाने के बाद। उसकी मॉम नहीं थी, इस वजह से दूसरे उसके साथ हमेशा गलत करते थे इस विलेज में। और जिसके बाद उसके डैड वहाँ पर शॉप में कुछ खरीद ही रहे थे और वहाँ पर वो अपनी कुकी को इंजॉय कर रहा था। वो जब अपनी कुकी को इंजॉय कर रहा था तब वहाँ पर अचानक से एक कैट आती है, और वो कैट उसके कुकी को जब देखती है तब वहाँ पर उसका मन करता है कि वो उसे ले ले। और वो जैसे ही उसके कुकी को वहाँ से लेकर चली जाती है, वहाँ पर वो दौड़ते दौड़ते वहाँ से चली गई थी, और वो जाकर चली जाती है घर के अंदर, और वो देखता रह जाता है। जब वो देखता है कि उसकी कुकी कोई अंदर लेकर चला गया है, वो वही कैट ही थी, और वो उस कैट के पीछे पीछे चला जाता है। जब वो उस कैट के पास जाने लग जाता है तब वहाँ पर वो देखता है एक ऐसी लैब जहाँ पर काफ़ी सारे पोशंस रखे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें। और जब वो देखता है वो कुकी लेकर एक ऊपर की साइड पर चढ़ी हुई है। वहाँ पर वो जैसे ही छलांग लगाती है वैसे ही वो एक बार में चली तो जाती है, लेकिन सारी चीज़ों को एक बार में वहाँ पर वो गिरा देती है, जिसकी वजह से एक पोशन से बड़ी हुई टोली उसके पास गिर जाती है थड़ाम से। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से पूरे विलेज में वो आवाज़ गूंज जाती है। और जब वो ये आवाज़ गूंज जाती है तब उसके डैड वहाँ पर जब जाते हैं तब वो देखते हैं कि उनका बेटा उसी लैब से निकल रहा है, और जिसके बाद वो वहाँ पर वो गिर चुका है। और उसके डैड फौरन ही उसके पास जाकर वहाँ पर जब देखते हैं उसकी आँख कलर का चेंज होने लगता है और उसके मुँह में एक स्पॉट जैसा कुछ आ जाता है, और जिसके बाद उसके डैड उसे फौरन ही उसके घर ले जाते हैं। और उसके डैड उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। जब वो वहाँ पर बीमार होता है तो वहाँ पर उसके डैड अपना सारा का सारा काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की मदद करने में लग जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो अपने बेटे को कैसे भी करके कोई तकलीफ आने दें। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं, और आज जब उसके डैड उसे भेजते हैं खेलने के लिए, वो एक बार उसे हक कर लेते हैं। और जब वो आज उसे हक करते हैं और वो खेलने के लिए चला जाता है तब वो सामने की तरफ को देखता है उसके वही फ्रेंड्स थे जो कि खेल रहे थे। और वहाँ पर जैसे ही वो लोग देखते हैं वहाँ पर उसके मुंह में एक दाग है और उसकी आंखों का भी कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज है। इस वजह से वो लोग उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं, और इस चीज़ को देख कर वहाँ पर एक ने तो हद ही कर दी थी। वहाँ पर एक ने उसके मुंह में जैसे लगा था एक दाग वैसा ही वो उसने भी अपने मुंह में लगा लिया, और जिसके बाद उसने जैसे ही एक हाथ मारा उसने देखा उसकी पावर को ये क्या हो गया है। उसने जैसे ही टच किया वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके कैसे फेंका सकता है। इस चीज़ को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था, और इसको वो कन्फर्म करने के लिए चला जाता है दूर की तरफ, और वो चौंक जाता है कि उसके पास ऐसी पावर कैसे आ सकती है। और जब वो सामने की तरफ को देखता है वो सामने की तरफ को चला जाता है और वो देखता है एक चेस्ट, और वो चेस्ट को यूं उठा लेता है। वहाँ पे जैसे ही वो विलेजर देखता है उसने इस चेस्ट को इतनी आसानी से आखिर कैसे उठा लिया, उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं ये देखकर कि कैसे इसने इसे उठा दिया। लेकिन उसने एक गलती कर दी,
उसने अपनी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से लामा के पीछे आग लगा दी। और ये आग कोई छोटी मोटी आग नहीं थी, इस आग से वो लामा काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और पूरे के पूरे विलेज में आग लगने लग जाती है। और जिसके बाद वहाँ पर वो हर जगह चारों तरफ आग लग जाती है, पूरा विलेज एक बार में जलने लग जाता है उस लामा की वजह से। और ये हुआ था तो सिर्फ उसकी सुपर पावर की वजह से। वहाँ पर सारे के सारे विलेजर्स एक जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं और वो सब लोग उसका पीछा करने लगते हैं। जब उसके डैड वहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने आखिरी बार अपने बेटे को तो पार्क में छोड़ा था, लेकिन वो तो वहाँ है ही नहीं, आखिर वो कहाँ जा सकता है, वो देखते हैं कि काफ़ी सारे विलेजर्स उसकी बेटी को थोड़ा रहे हैं। और वो इसी वजह से वहाँ पर वो चला जाता है। और जब देखते हैं वो आखिरी गेट पर आ चुका है अपनी बेटी को लेकर, और सारे विलेज के लोग बस अब उसे मारने वाले हैं, वो उसे अब दानव समझने लगे थे, लेकिन उसके डैड वहाँ पर सभी लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब देखते हैं वो उसके बेटे ने शायद पूरे के पूरे विलेज को तबाही से भर दिया है। और वहाँ पर जैसे ही गेट खुलता है तो सब लोग, हर एक विलेज का बंदा उसे जाने के लिए बोल देता है, और अब वो भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके डैड को वहाँ पर उस विलेज की ज़रूरत थी, इसलिए उसके डैड को वो विलेजर्स कहीं भी जाने नहीं देते। और जिसके बाद वहाँ का गेट भी क्लोज हो जाता है। अब वो काफ़ी ज़्यादा अकेला हो चुका था। उसके डैड जाना तो चाहते थे, लेकिन दूसरा दिन उसी टाइम चालू हो जाता है। और ऐसे ही रात भी आ जाती है। जब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रात हो रही थी, उसको तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि उसे लग रहा था मानो उसे कोई ना कोई चीज़ तो खा ही जाएगी। और वो उदास होकर पेड़ के नीचे बैठा था, लेकिन उसके डैड वहाँ पर तैयारी कर रहे थे कैसे वो अपने बेटे को बचा सकते हैं। फौरन ही सारा का सारा सामान एक बैग में पैक करते हैं, और वो फेवरेट कुकी जो उनके बेटे की बहुत ज़्यादा फेवरेट थी वो उसे भी ले लेते हैं। और अपने बैग को टांग कर वो फौरन ही फैसला करते हैं वो रातों रात इस विलेज को छोड़ देंगे। वो अंधेरी रात में सामने दिखते हैं वहाँ पर दो पहरेदार सिपाहियों को। वो एक पत्थर ज़ोर से फेंकते हैं जिससे कि उन दोनों का ध्यान बढ़ जाए, और वो दोनों उस पत्थर की तरफ चले जाते हैं। फौरन ही वो उस गेट को खोलते हैं, और खोलने के बाद वो वहाँ से चल चल के अपनी बेटी को पुकार लगाने लगते हैं। और जब वो ये करते हैं तब वहाँ पर उनका बेटा उन्हें देखकर इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो उसे ही गले लगा लेता है। दूसरा दिन चालू हो जाता है, और एक नया सूरज के साथ वहाँ पर वो अपने लिए एक नया घर बना रहे थे। वो अपने घर को बनाने में लग गए थे, और वो वहाँ पर थोड़ा सा थके, लेकिन वो उन्होंने देखा झट 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 सारे पत्थर अपनी जगह पर कैसे कैसे लग जा रहे हैं। तब वहाँ पर उसके डैड ने वहाँ पर एक आग से मशाल जलाई, और जिसके बाद वहाँ पर एक बढ़िया सी आग लगी। और उसके डैड उसे ये भी बताते हैं कि कैसे पहले के टाइम पे उसकी मॉम ने उसे जब जन्म दिया था तब उसकी मॉम मर गई थी। शायद वहाँ पर उसकी मॉम ने जब अपने आप को मार लिया था तब वहाँ पर उसने कोई खास जड़ी बूटी पी ली थी, इस वजह से ये जो छोटा बीबी है वो ऐसा पैदा हुआ है सुपर नेचुरल पावर्स के साथ। उसके डैड उसे काफ़ी उसके बचपन की कहानियाँ बताते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, और आज और जिसके बाद वहाँ पर उसके डैड लगाने लग जाते हैं काफ़ी सारे पम्पकिन। वो अपनी पावर को यूज़ करता है, लेकिन शुरू शुरू में तो उसकी सारी पावर फूस हो जाती हैं। इस वजह से जब वो निराश होता है उसके डैड बोलते हैं बेटा तुम हार मत मानो, करते रहो। और वो लगातार रात दिन लगा रहता है। ऐसे ही एक सुबह वो उसके डैड जैसे 3 कप्स हवा में उछालते हैं, वहाँ पर वो सारी चीज़ों को सटीक सारी चीज़ों को लगा दे रहा था। ये काफ़ी सालों की मेहनत के बाद ऐसा पॉसिबल हो पाया था। और उसके डैड जब वो अपने विलेज में आए तब वहाँ पर वो अपने बेटे के लिए थोड़ी सी
कुछ चीज़ों को खरीदना चाहते थे और वो देखते हैं विलेज में एक खास तरीके का सूट आया है। वो सूट को देखकर सोचते हैं कि वो उसके बेटे के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और वो अपने बेटे के बारे में जब सोचते हैं तब उन्हें याद आता है कि उसके कपड़े भी फट चुके हैं। वो उस विलेजर से बात करते हैं और वो अपनी जेब से सारे के सारे एमरल्ड निकाल कर उसे दे देते हैं और वो सूट ले जाने लगते हैं। और जब वो ये ले जाते हैं तब वहाँ पर उनका बेटा एक ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट में काम कर रहा था और वो कुछ ऐसी चीज़ों को बना रहा था। फौरन ही जब उसके डैड आए उन्होंने दिखाया उसके लिए सूट और वो काफ़ी खुश हुए जब उसके ऊपर वो सूट काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वो सूट में काफ़ी हग किया अपने डैड को क्योंकि उसके डैड ही थे जो शुरू से उसकी मदद किए। एक दिन होता है, एक खुशहाल दिन, आज उसके डैड सो रहे थे लेकिन जब वो उठकर देखते हैं सामने तब वहाँ पर वो अपनी आँखों को देखते हैं तो उनकी आँखें चौंधिया जाती हैं क्योंकि पूरे के पूरे विलेज में हंगामा हो चुका था और ये काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से आवाज़ आ रही थी। काफ़ी लोग अपने घर में जाकर रह रहे थे और अचानक से दरवाज़ा खुलता है और काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं उनके विलेज में और वो सारे विलेजर्स को खाना चालू कर देते हैं और वो सारे विलेजर्स को जान से मार कर वहाँ पर उनकी हत्या किया कर दे रहे थे। और जब वो सारे ज़ॉम्बीज खाए जा रहे थे उसके डैड अपनी स्वॉर्ड लेकर आते हैं लेकिन वो तब डर जाते हैं जब उनके सामने वो काफ़ी खूंखार और काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर था और इसको देखकर कौन ना डरता, उसको देखकर तो हर कोई डर जाता और इस वजह से वो चले जाते हैं फौरन ही अपने बेटे के पास। और वो एक पुराने टाइम में वॉरियर थे तो उन्हें पता था कि उनकी मदद सिर्फ उनका बेटा ही कर सकता है। वो बताते हैं एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर उस विलेज में आ चुका है जहाँ पर बेटा तुम्हारा सारा का सारा बचपन बीता है। और इतना सुनते ही उसके दिल में एक हलचल सी होती है और वो फौरन ही याद करता है उन सारे पलों को जब उसके दोस्तों ने उसे काफ़ी बुली किया था, उन सारे विलेजर्स ने उसे भगाया था लेकिन जब वो आज उन सभी लोगों की मदद करेगा तो उसके साथ कितना उसे अच्छा लगेगा। उसे प्राउड होगा कि जब मैंने विलेज को अपनी गलती की वजह से बर्बाद किया वही गलती आज उस विलेज को बचा सकती है। वो वहाँ पर उस कुकी को देखकर याद करता है ये कुकी मुझे मेरे डैड ने मेरे बचपन के ही विलेज में मुझे दिया था। और वो ये सारी चीज़ें याद करता है, हर मौके में उसके डैड ने उस विलेज से लड़ा था तो वो अपने डैड का विलेज ऐसे डिस्ट्रॉय होने ना दे सकता था। उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं जब वो देखता है सारे के सारे विलेज में लोग मारे जा चुके हैं और सभी लोग वहाँ पर मर चुके हैं। और जिसके बाद उसने अपनी आंखें खोल कर देखी उसके जो डैड हैं वो आखिरी दम तक उस काफ़ी ख़तरनाक सी क्रीचर से लड़ाई कर रहे हैं, उनमें बिल्कुल भी जान तो नहीं बची है लेकिन वो ज़ॉम्बी उनके ऊपर जैसे ही लात रखने वाला था उसके मुंह से चीख निकलती है और अब वो ज़ॉम्बी पर हमला करने लगता है। उस हमले से उस ज़ॉम्बी को थोड़ी सी दिक्कत होती है और वो जैसे ही सामने देखता है वो ज़ॉम्बी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वो सारी चीज़ों को उसके ऊपर फेंकने लगता है लेकिन उस बच्चे पर जो कि आज एक पावरफुल मैन बन चुका है उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी पूरी पावर से हमला करके उस ज़ॉम्बी को एक बार में गिरा देता है और उसकी जान ले लेता है। सारे विलेज के लोग ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो अपने डैड के पास जब जाकर देखता है उसके डैड जो थे वो पूरी तरीके से बेहोश हो चुके थे। उसके डैड जब उसकी तरफ देखते हैं वो एक झटफट अपने डैड को एक पोशन पिला देता है और वो जब पोशन पिलाता है उसके डैड एक जेंटलमैन की तरह खड़े हो जाते हैं और उसके गले लगते हैं और वो वहाँ पर खुशी खुशी रहते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब।
गाइस प्लीज। क्या हुआ था? एक माइनक्राफ्ट का विलेज था और उस विलेज में स्टीव और एलेक्स एक दिन आए हुए थे। वो वहाँ से कुछ खरीद रहे थे और वो चाहते थे कि वो आज कुछ ऐसा खरीदें जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करें। तब वहाँ पर एलेक्स जब कुछ खरीद रही थी तभी स्टीव की नज़र गई एक ऐसे बच्चे पर जो कि अपने मॉम डैड के साथ खेल रहा था। स्टीव को ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और स्टीव जब इतना देख ही रहा था तब एलेक्स भी वहाँ पर देखती है और एलेक्स समझ जाती है कि स्टीव आखिर क्या देख रहा है और स्टीव और एलेक्स एक साथ वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन वो बच्चा इतना ज़्यादा खुश था। लेकिन उसी टाइम रात हो जाती है और रात होने की वजह से वहाँ पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज आ गए थे और ये सारे ज़ॉम्बीज पूरे विलेज को आग लगा देते हैं और आग लगाने के बाद वहाँ पर सब लोग वहाँ पर चलना चालू कर देते हैं। और जैसे ही वहाँ पर दूसरा दिन चालू होता है स्टीव और एलेक्स आज जैसे ही अपने सामने देखते हैं विलेज में सब कुछ जल चुका था। और जब ये इतना देख लेते हैं तो फौरन ही वो अपनी सॉर्ड निकालते हैं और धीरे धीरे करके वो आगे की तरफ को बढ़ने लगते हैं। आखिर वो जानना चाहते थे आखिर ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। और उन लोगों ने जब देखा तो वहाँ पर जो विलेजर था वो भी मर चुका था। वहाँ पर वो जब सामान लिया करते थे वहाँ पर सब लोग मर चुके थे लेकिन एक बच्चा जो कि अभी भी रो रहा था वो फौरन ही उसके पास चले गए और वो बच्चा उस लग कर काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। और वहाँ पर स्टीव फौरन ही उसके मॉम डैड को श्रद्धांजलि देते हैं और जिसके बाद वो इतना ज़्यादा रो रहा था उसकी आंखों में इतनी ज़्यादा आंसू भरी थी कि वहाँ पर उसके मॉम डैड उसे बोलते हैं तुम अब हमारे साथ चल सकते हो, तुम्हें यहाँ रहने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जिसके बाद नया घर पाने की वजह से कुछ नहीं हुआ था। वो बच्चा एक नया घर तो पा गया था लेकिन वो बातें आज भी नहीं थी। लेकिन स्टीव और एलेक्स हमेशा ऐसा प्रिटेंड करते थे कि वो उसके एक रियल मॉम डैड ही हैं। वो उस बच्चे को वहाँ पर केक खिलाते हैं लेकिन वो फिर भी उदास ही रहता था। तब स्टीव को याद आया कि वो कुछ कर सकता है इसके लिए और जिसकी बात वो उदास बैठा था वो अकेला बैठा था। तब वहाँ पर जब वो शूटिंग रेंज में गया तो वहाँ पर स्टीव वहाँ पर काफ़ी मेहनत से शूट कर रहा था। इस चीज़ को उसी बच्चे ने देख लिया और वो मांगने लगा स्टीव से ये मुझे दे दो, इसे मैं करता हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत से एक बार फेंकता तो है वो फेल हो जाता है लेकिन वो बार बार ट्राई करता है और वो एक बार नहीं वो काफ़ी बार ट्राई करता है लेकिन वो फेल हो जाता है। इसलिए वो थोड़ा सा तो उदास हो जाता है और जिसके बाद स्टीव वहाँ पर फौरन ही आगे की तरफ को जाता है और वहाँ पर स्टीव उस स्कोर बोर्ड को फौरन ही थोड़ा सा आगे ला देता है। आगे लाने की वजह से वहाँ पर वो जो बच्चा था वो थोड़ा सा बेटर एम कर सके। स्टीव को ये पता था कि अब वो शायद से मार लेगा लेकिन अभी भी वो मार रहा था। फाइनली पूरे 5 शॉट के बाद उसका एक शॉट जाकर निशाने में लग गया और जिसके बाद वहाँ पर एलेक्स इमोशनल हो गई। लेकिन वहाँ पर वो लोग अब शाम हो गई, वो शाम के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा खुश था कि अब वो खाना खाएगा और आज उसका तो फेवरेट बना था पुडिंग। वो पुडिंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो उसे खाने लगता है। वो उसे ऐसे खाने लगता है कि वहाँ पर एलेक्स काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है और जिसके बाद वो थोड़ी सी पुडिंग तो उसके नोज में भी लगा देती है। और वहाँ पर वो सबके ऊपर ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था। और रात हो जाती है। रात होने के बाद वहाँ पर स्टीव और एलेक्स थोड़ी देर के लिए तो रुके हुए थे और जिसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी। स्टीव और एलेक्स जब चले गए वो फिर भी जैसे ही रात हो गई वहाँ पर वो बिल्कुल भी सोचने लगा कि आखिर उसके मॉम डैड को कैसे उस ज़ॉम्बीज ने मारा था। वो ज़ॉम्बीज आकर उसकी मॉम डैड को मार देते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा उदास था। कैसे वो ये सब सोच रहा था, वो ज़ॉम्बी जैसे ही उसके पास पड़ा वो फौरन ही अपने उस सपने से जाग गया। नीचे जैसे ही वो गया वो स्टीव के पास गया, स्टीव को उठाने लगा। वो उठाते उठाते स्टीव को उसके पास सोने की ख्वाहिश की उसने और स्टीव ने उसे अपने पास सुला भी लिया। और जिसके बाद दूसरा दिन चालू हो जाता है
और आज वाले दिन पर वो जैसे ही बाहर निकलता है, स्टीव उसे जैसे ही बाहर ले आया था, अब एक और बार ट्राई होता है। स्टीव देखना चाहता था कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, और स्टीव वहाँ पर जैसे ही जाता है, अब स्टीव देखना चाहता था कि क्या ये अब ठीक हो चुका है, और वो चेक करना चाहता था कि अब उसका जो बेटा है वो कैसा, कैसे वो मार सकता है दूर। अब वो जैसे ही निशाना लगाता है, उसका निशाना एकदम सही जगह पर लग जाता है, और जिसके बाद वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को ले आ लिया जाता है, और वो सारी चीज़ों में अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। स्टीव आज फाइट कर रहा था, लेकिन अब वो देखता है उसके डैड को वो गिरा सकता है, और वो अपने डैड के ऊपर अब हमला भी करता है, और अब वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। उसकी मॉम ने अब बनाया था उनके लिए काफ़ी अच्छा वाला केक, और वो उस केक को खाने के लिए सब लोग घर में चले जाते हैं, और दूसरा दिन चालू हो जाता है। दूसरा दिन जैसे ही चालू होता है, वो सो रहा था, सोते सोते उसे अचानक से आवाज़ आती है। वो उठकर जैसे ही देखता है, आखिर यह आवाज़ तो कहाँ से आ रही है, तो वो वहाँ पर देखता है कि उसके घर के नीचे काफ़ी सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं। वो अपने मॉम डैड को फौरन ही उठाता है कि देखो कोई तो आया है, और जिसके बाद वो वहाँ पर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही देखता है कि वहाँ पर छुपने की तो कोई जगह है ही नहीं, वहाँ पर सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं, और वो फौरन ही वहाँ से चला जाता है, और वो जाकर फौरन ही ऊपर जाकर छुप कर बैठ चुका था, क्योंकि उसके बच में कुछ भी नहीं था। जैसे ही दूसरा दिन चालू होता है, आज वो देखता है कि उसके मॉम डैड अब है ही नहीं, उसके अब नए वाले जो मॉम डैड थे वो भी नहीं है, और अब वो देखता है कि स्टीव एलेक्स उनकी फाइट करते करते जान ही चली गई है। स्टीव जैसे ही देखता है वहाँ पर, अब आंसू उसके उसके पैर के पास गिरते हैं। जब उसके आंसू उसके पैर के पास गिरते हैं, तो उसे याद आते हैं अपने रियल वाले मॉम डैड के बारे में। वो उन्हें याद करके काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, उनकी यादों में वो काफ़ी ज़्यादा खोया था, लेकिन अब वो स्वॉर्ड को लेकर निकल जाता है फौरन ही बदला लेने के लिए। लेकिन वो जैसे ही सामने देखता है, सामने काफ़ी सारी पुडिंग गिरी थी। पुडिंग को देखते देखते उसने रास्ते को फॉलो किया, वो रास्ता फॉलो करते करते आगे गया, और आगे जाते जाते वो फौरन ही आगे वो जाता गया, और वो अपने बदले को लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, और उसे पता चलता है ये चीज़ तो एक जगह पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और वो उस जगह पर आज आ गया था। आज फाइनली वो देखता है कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने उनके मॉम डैड का काफ़ी ज़्यादा गंदे तरीके से जान ले लिया था, और वहाँ पर वो जैसे ही देखता है कि यहाँ पर ये लोग इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं उसके सामने, क्योंकि उसने कठिन से कठिन मेहनत करके अपने डैड से सीखा था। लेकिन जब पिगलिन ब्लू देखता है वहाँ पर आज का है वही बच्चा जो कि अपने मॉम डैड के साथ था एक टाइम पे, वो एक बार में सबको काट रहा था, वो एक बार में सबके गले भी काट देता है, वो एक बार में सबके पेट में एक बार शॉट डालता था, और शॉट डालते ही वहाँ पर उनकी मौत हो जाती थी। वो अब पिगलिन उस नशेड़ी पोशन को पी लेता है, और जिसके बाद उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा बल्की हो गई थी, और अब वो काफ़ी ज़्यादा पावर से हमला करने लगता है। लेकिन अब उसके पास जैसे कोई ऑप्शन नहीं बचा था, अब वो जान गया था कि उसकी मौत होने वाली है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो इतने ज़्यादा आसानी से मरे, और वो चाहता था कि वो एक ना एक बार तो इन्हें मारकर अपने मॉम डैड का बदला ले ले। वो अपने बचते बचाते उस टीएनटी के पास गया, और उस टीएनटी के पास जाकर कूदने लगा, लेकिन जैसे ही वहाँ से वो हटा, वो टीएनटी तो फट गया, और जिसके बाद वो टीएनटी जैसे ही फटा वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई, उसका शरीर इधर उधर जाकर फटका कर फिका गया, और जिसके बाद वो लंगड़ाते लंगड़ाते आगे की तरफ को गया। वो आगे की तरफ को लंगड़ाते लंगड़ाते घर जाने लगा, तो उसकी दुनिया उजड़ ही चुकी थी, क्योंकि कोई भी बचा ही नहीं था उसको सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे, क्योंकि उसके मॉम डैड उसके अब सामने थे, और अब वो जाकर फौरन ही गले लग जाता है अपने मॉम डैड के, और जिसके बाद उसके मॉम डैड काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं।
एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर विलेजर्स रहा करते हैं, और वो विलेजर्स इस टाइम पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि उनके यहाँ आ चुका था वही डार्क एंटिटी अपना वेश बदल कर। वो अपना वेश बदल कर एक कैप्टन हुक बन चुका था, और अब डार्क एंटिटी ने आदेश दिया है कि वो विलेज को जल्दी से बर्बाद कर दे। और ये और कोई विलेज नहीं है, आप लोग को याद होगा ये वो विलेज है जहाँ पर स्मार्टी पाई भाई को लाना पड़ा था बहुत सारे विलेजर्स को जिन्हें कैप्चर किया था इस डार्क एंटिटी ने, जिसके बाद अब इनका विलेज वापस से परेशानी में आ चुका था। लेकिन जब से स्मार्टी पाई भाई मर चुके थे हिमलैंड्स के अंदर, तब से स्टीव एंड एलेक्स ने ही सब कुछ संभाल रखा था उस विलेज में विजर्ड के कहने पे। लेकिन ये डार्क एंटिटी आते ही अपना वेश बदलकर अपने डार्क क्लोन को उस विलेज में छोड़ देता है, और ये डार्क एंटिटी का मकसद था कि वो इस विलेज को लूट ले और वापस से इन विलेजर्स को बंदी बनाकर इन पर एक्सपेरिमेंट्स करे, जिसके बाद वहाँ पर जितने भी क्लोन्स थे वो क्लोन्स के पास बहुत पावर थी, जिसकी वजह से वो सबके घर में जाकर उनके पूरे के पूरे डायमंड्स एंड एमरल्स लूट रहे थे। एंड स्टीव एंड एलेक्स से भी वो लोग लड़ ही रहे थे, लेकिन स्टीव और एलेक्स इन नॉर्मल विलेजर्स की तरह नहीं थे। स्टीव उतने में ही फाइट कर रहा था, लेकिन स्टीव को अब एरो लगने की वजह से वो धीरे धीरे बेहोश हो रहा था। लेकिन एलेक्स ये चीज़ जैसे ही देखती है वैसे ही वो चौंक जाती है, और वो मन ही मन सोचती है मैं विजर्ड को क्या जवाब दूंगी, क्योंकि विजर्ड ने स्टीव एंड एलेक्स को बनाया था। के बाद ये डार्क एंटिटी उन दोनों के पास चला जाता है एंड उन दोनों को बेहोश करता है और काफ़ी ज़ोरों से हंसता है, जिसके बाद स्टीव बहुत ज़्यादा गुस्से में ऊपर की तरफ देखता है, और स्टीव को पता चलता है कि पूरे विलेज में तबाही मच चुकी है उस डार्क विजर्ड के कारण, जिसके बाद वो डार्क विजर्ड एलेक्स को अपने साथ ले जाता है, और स्टीव ये सब देखता रह जाता है। लेकिन स्टीव कुछ भी नहीं कर पाता और वो वहाँ पर सो जाता है, जिसके बाद ये लोग पूरा का पूरा सामान लूटकर और विलेजर्स पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनको ले जा रहे थे। एंड ये एंटिटी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, और ये एंटिटी वापस से जा रहा था डार्क हिमलैंड्स की तरफ, और ये डार्क हिमलैंड्स में जाकर उन विलेजर्स पर वापस से एक्सपेरिमेंट करने वाला था। लेकिन यहाँ पर स्टीव बहुत ही ज़्यादा दर्द से जूझ रहा था, लेकिन स्टीव को क्या पता था उसे विजर्ड ने वापस से घर में ला लिया है, और विजर्ड इस टाइम पर डॉक्टर के वेश में था। एंड विजर्ड ने एक बहुत ख़तरनाक पोशन बनाया एंड स्टीव को पिला दिया, जिसके बाद स्टीव पोशन पीते ही वापस से उठ जाता है। एंड स्टीव को याद आता है कि उसके विलेज में आज हमला हुआ है, और विजर्ड भी उसे ये बात बताता है, और जिसके बाद स्टीव जैसे ही बाहर देखता है स्टीव की आंखों पर आंसू आ जाते हैं, एंड उसे विश्वास भी नहीं होता कि उसके विलेज में ये सारी चीज़ें कैसे हो गई। और वहाँ के विलेजर्स कोई रो रहा था तो किसी का परिवार मर चुका था तो कोई किडनैप हो गया था, जिसके बाद उसे अचानक से याद आता है कि एलेक्स को भी उन लोगों ने ले गया है, जिसके बाद स्टीव बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था और वो फौरन तैयारी करता है कि वो उनसे फाइट करेगा। लेकिन स्टीव अभी फाइट करने के लिए पूरा तैयार नहीं था, इसलिए विजार्ड ने पहले से ही बहुत खतरनाक आर्मर बनाया था। एंड आप लोगों को पता ही होगा विजार्ड के पास बहुत खतरनाक पावर्स हैं, एंड जब भी स्मार्टी पाई भाई को मुश्किल में ज़रूरत पड़ती थी तब वही स्मार्टी पाई भाई की ज़रूरत पूरी करता था। स्टीव अब बाहर की तरफ आ चुका था एंड वो सारी की सारी ब्रेड सामने से ले लेता है और उसे एमरल्ड्स दे देता है, और स्टीव अब जाने वाला था उसी टापू में, उसी डार्क हिमलैंड जैसी नगरी में फाइट करने के लिए। और विजर्ड उसे आखिरी बार अलविदा करता है, और स्टीव अपनी बोट लेता है और निकल जाता है अपने सुहाने सफ़र में, जिसके बाद स्टीव चप्पू चलाते चलाते निकल जाता है, और वो ख्याल ही सोचता है कि मैं कैसे भी करके अपने विजर्ड की जान बचाऊंगा एंड एलेक्स को भी वापस लाऊंगा। और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये डार्क एंटिटी मतलब ये कैप्टन हुक ऐसा क्यों कर रहा है और वो उसके विलेजर्स को क्यों मार रहा है। लेकिन स्टीव जैसे ही अपना कंपास निकालता है उसे पता चलता है कि उसके ऊपर बहुत खतरनाक की बारिश हो रही है, जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से जाने की कोशिश करता तो है, लेकिन वो बारिश बहुत ज़ोरों से बढ़ रही थी और स्टीव के सामने
एक ऐसी लहर आ रही थी जो कि उसे दूसरे दिन ऐसी जगह लाकर छोड़ देती है जहां पर उसका कोई ना था ना कोई था। लेकिन उस जगह पर एक ऐसे क्लोन घूम रहे थे जो कि उसे देखकर बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो जाते हैं, और वो क्लोन उस जमीन पर गिरे हुए स्टीव को एक लात मारते हैं और कहते हैं ये तो मर चुका है, खतरा कर सकता है, क्योंकि स्टीव ने पहना था पूरा डायमंड का आर्मर। एक मैजिकल वाटर उसके पास रखा था और जिसके बाद उस मैजिकल वाटर को वो स्टीव के ऊपर डालता है और स्टीव अपनी आँखें खोल कर देखता है। तब उसे पता चलता है वहाँ पर उसके दोस्त कैद हैं और स्टीव को अब उन लोगों ने मार पीट कर काम पर लगा दिया था, और अब वो बुरा किंग और डार्क एंटिटी ने उन विलेजर्स को बहुत ज़्यादा टॉर्मेंट से रखा हुआ था। और ये सारी चीज़ स्टीव देखकर बहुत ज़्यादा परेशान तो होता है, लेकिन उसे एलेक्स को भी बचाना था, इसलिए स्टीव वेट करता है और देखता है उसके सामने एक क्लोन सोया हुआ था, और जिसके बाद स्टीव बहुत ज़्यादा खुश होता है। एंड वो बगल वाले विलेजर को कहता है वो उसकी हथकड़ियाँ तोड़ दी, और हथकड़ियाँ टूटते ही वो आज़ाद हो जाता है और वो वापस से खुश हो जाता है, और वो ठान लेता है कि वो कैसे भी इन विलेजर्स को बचाएगा और एलेक्स को भी यहाँ से ज़िंदा ले जाएगा और इनसे बदला भी लेगा। जिसके बाद वहाँ पर एक क्लोन की अचानक से आँख खुल जाती है और वो देखता है वहाँ पर एक विलेजर एंड स्टीव वापस खड़े हैं, और जिसके बाद स्टीव एंड वो विलेजर इतने गुस्से से उसे देख रहे थे कि उसे बंद कर उसी की काट पर उसी को बैठा कर वहाँ से वो छोड़ देते हैं उसे, और वो तड़पता रह जाता है। जिसके बाद स्टीव मौके का फ़ायदा उठाते ही अपने सारे विलेजर दोस्तों को वहाँ से आज़ाद करता है, और शायद अब विलेजर्स को आज़ाद करने के बाद स्टीव जाने वाला था अपनी एलेक्स को बचाने के लिए, जिससे कि वापस से उनके विलेज में शांति आ जाए और इस डार्क एंटिटी का किस्सा वापस से ख़त्म करने के लिए। लेकिन डार्क एंटिटी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो जैसे ही स्टीव को देखता है कि स्टीव उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, वैसे ही डार्क एंटिटी अपनी खतरनाक सॉर्ड निकाल लेता है और अपने क्लोन्स को कहता है लेट्स अटैक एंड मूव टूवर्ड, और इतना कहते ही उनके बीच में घमासान युद्ध चालू हो जाता है, और वो विलेजर्स और वो क्लोन्स इतनी तेज़ी से फाइट कर रहे थे कि वो फाइट कोई ऐसी फाइट लग रही थी जैसे कि वहाँ पर कोई वॉर चल रही हो, और एक विलेजर तो अपने हाथ में पिकेक्स लेकर उन्हें बहुत ज़्यादा मार रहा था, और स्टीव भी कम नहीं था, स्टीव पिकेक्स लेकर उनकी आँखों पर खोद रहा था जिससे कि उनकी आँखों पर लगे और उनकी आँख फूट जाए और वो ब्लाइंड हो जाए, और ब्लाइंड होने की वजह से उन्हें कुछ भी ना दिखे। लेकिन स्टीव को अचानक एलेक्स दिखती है और स्टीव अपनी पिकेक्स लेकर एलेक्स के सामने बड़ी रहा होता है, और वहाँ पर ऑन द स्पॉट एक विलेजर की डेथ होती ही है। तभी उस किंग की नज़र पड़ती है वो स्टीव एंड एलेक्स में, और वो स्टीव एंड एलेक्स को देखने के बाद फैसला करता है कि वो स्टीव एंड एलेक्स को जान से मार डालेगा, जिसके बाद स्टीव एलेक्स को बचा ही रहा होता है, और एलेक्स वहाँ से निकलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन वहाँ पर अचानक से आ जाता है वही डार्क किंग, जिसके बाद डार्क किंग उसे मारने ही वाला होता है स्टीव अपने फास्ट मूवमेंट की मदद से, और स्टीव बचने की कोशिश तो करता है लेकिन वो डार्क एंटिटी उसे दपोच लेता है, एंड अब उसे वो मारने वाला था जान से, जिसके बाद स्टीव बहुत ज़्यादा डर जाता है और मन ही मन सोचने लगता है हे भगवान मुझे बचा लो, जिसके बाद स्टीव की भगवान सुनते हैं और अचानक एलेक्स भगवान बनकर उस डार्क एंटिटी के सर पर ज़ोर से पिकेक्स मारती है एंड स्टीव को बचा लेती है। और ये पल उन लोगों के लिए लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट पल था, और जिसके बाद स्टीव एंड एलेक्स दोनों से गले मिलते हैं और वो जान जाते हैं अब इस किंग की तो डेथ हो चुकी है और बस इन लोगों की विजय हो चुकी है। और सारे विलेजर भाई जो इस जगह पर एक साल से मेहनत कर रहे थे वो अचानक बच जाते हैं, और वो बाकी के बचे विलेजर्स को एक्सपेरिमेंट होने से बचा लेता है और एलेक्स को भी बचा लेता है। लेकिन किसे मालूम था एक ना एक दिन ये डार्क एंटिटी अपना असली रूप दिखाएगा। लेकिन अभी तो इनके मन में बहुत ज़्यादा खुशी चल रही थी, क्योंकि डार्क एंटिटी के पास जितना भी सोना और ट्रेजर था वो सब ये लोग लूट लेते हैं, और उनकी शीप चुराने के बाद वो उनकी शीप का नाम नो निशान मिटा लेते हैं
और वो उनकी शीप चुरा कर अपने विलेज की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही वो देखते हैं उनका विलेज भी अब रेनोवेट हो रहा था और वहाँ के छोटे छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे और वहाँ के छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा बदमाश थे। और एक विलेजर दूरबीन से दूर की तरफ देख रहा था और उसे अचानक से वही दिखते हैं डार्क एंटिटी की शिप। लेकिन जैसे ही वो बड़ा करके देखता है उसे पता चलता है कि वहाँ पर स्टीवन एलेक्स वापस से आ चुके हैं और वहाँ पे जितने भी विलेजर्स हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने परिवार को देखने के बाद, और जिसके बाद वो सब वापस से सुधर